बॉयज़, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, तो जैसा कि हम मेटल फॉर्मिंग पढ़ रहे थे, मेटल फॉर्मिंग में टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि बल्क फॉर्मिंग एंड शीट मेटल फॉर्मिंग। तो बल्क फॉर्मिंग भी जो चार मेन प्रोसेस होती हैं, फॉर्जिंग, रोलिंग, बायर ड्रॉइंग और एक्सट्रूजन, वो चारों हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन शीट मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, तो शीट मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, किस कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे इनका एनालिसिस, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शीट मेटल फॉर्मिंग क्या होती है। शीट मेटल फॉर्मिंग कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस डेट आर यूज टू फॉर्म शीट मेटल पार्ट्स। जो भी शीट मेटल पार्ट्स होते हैं, अगर हम बात करें कि जो हमने फॉर्ज रोलिंग में किया, जो हमने फॉर्जिंग में किया, जो हमने वायर ड्रॉइंग में किया, तो वहाँ पर क्या होता है गाइज, कास्टिंग और फॉर्ज में, कि जो सरफेस एरिया टू थिकनेस जो उनका जो रेशियो होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो सूटेबल होता है वो शीट मेटल फॉर्मिंग। क्योंकि देखिए, आप जब अगर आपके पास कोई शीट है किसी भी मेटल की, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जबकि उसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होगी। लाइक 6 mm, 6 mm से भी कब क्या होती है, थिकनेस कम होती है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब बाकी की जितनी प्रोसेस हम करते हैं, लाइक फॉर्जिंग होगी, रोलिंग हो गई या कास्टिंग हो गई, उन सब में क्या होता है, सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ये सबसे सुटेबल जो है प्रोसेस होती है। बाकी ये डक्टाइल्स मटेरियल्स के लिए होती है। ओके, बाकी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आगे इसको थ्री टाइप्स में जो है किया गया है। थ्री मेन टाइप्स हैं जिसको शीट मेटल फॉर्मिंग के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें से फर्स्ट वन क्या हो गया, सियरिंग। फर्स्ट वन सियरिंग हो गया, सेकंड वन डीप ड्रॉइंग हो गया, एंड थर्ड वन क्या हो गया, बेंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम सियरिंग के बारे में यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो सियरिंग क्या होती है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सियरिंग क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कटिंग शीट मेटल बाई सब्जेक्टिंग इट टू सियर स्ट्रेसेस यूजली बिटवीन ए पंच और अ डाई एंड अ डाई। ठीक है, तो क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जो कि शीट मेटल को काटने के काम में आती है, कट करने के काम में आती है। कैसे, उनके बीच में जो पंच होता है हमारा और जो डाई होती है, उनके बीच में सियर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड करा के जब हम किसी भी शीट मेटल को काटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सियरिंग। ठीक है, तो उसको हम सियरिंग बोलते हैं। सियरिंग गाइस टू टाइप्स की होती है, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती है, सिटिंग वगैरह और जिन कई सारी होते हैं इसके टाइप, लेकिन मैनली जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है या हमारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो वो इन दो टाइप्स के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि क्या है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। अब हम नॉर्मल एक अगर हम बात करें तो ये जैसे कि हमने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, टूटा फूटा डायग्राम। तो टूटा फूटा डायग्राम में ये क्या हो गई, ये हमारी डाई हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजुअल कम होगा रेड मार्कर से, इसकी इंक जो है वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा आज के लिए ये मैनेज करिएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, डाई। ये हमारे पास क्या है, पंच। ठीक है, यहाँ पर हम एक पी लोड हमने लगाया है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सीट है, जिसकी टी क्या है, टी हमारी जिसकी थिकनेस है। ठीक है, तो जब हमने इस पर फोर्स जब हम लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है और ये क्या करता है, बेंड करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसको ये धीरे धीरे जब इसकी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो इसके अल्टीमेट से ऊपर निकल जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये शियर हो जाता है। शियर होने के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो कुछ इस तरीके से हमको जो है क्या मिलता है, हमारा जो सीट मेटल से जो सीट है हमारी, उस सीट से ये जो टुकड़ा टूट के नीचे आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, उतना का जो सीट में से उतना जो पंच का जो डायमीटर होता है, उतने डायमीटर का हमको जो ये जो पीस ऑफ सीट निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लैंकिंग की, अगर हम बात करें पियर्सिंग, सबसे पहले ब्लैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैंकिंग क्या होता है, तो ब्लैंकिंग गाइस क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन से सुन देख लीजिए। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ मेटल वर्क पीस इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटल स्ट्रिप और सीट व्हेन इट इज पंच्ड। प्राइमरी मेटल वर्क पीस इज नाउ द स्क्रैप एंड अ पंच्ड पार्ट इज न्यू वर्क पीस। ठीक है, लाइक अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि हमारे पास कोई कागज़ है, ठीक है, हमारे पास कोई कागज़ है, मैं एक कागज़ ले लेता हूँ, गाइस,
ठीक है, हमने ये कागज़ लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारे पास सीट है किसी भी मेटल की, हमारे पास ये क्या है, एक सीट है। और अब हमने माना कि ये क्या है हमारे पास, एक ये हमारे पास जो है पंच है, ठीक है। अगर हम पंच क्या करते हैं, अगर हम पंच को इसके सीट के यहाँ पर ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लाइक ये तो अभी नहीं इतना उसमें है, तो अगर हम फोर्सेस लगाते हैं तो इसके डायमीटर का क्या होता है, ये हमारे लिए एक पीस ऑफ सीट का, जो ये मानने अगर हमने सीट मानी तो ये कुछ पीस क्या है, ये टूट के क्या गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा, ये पंच, हम अगर इस मार्कर को पंच मान लें, इस मार्कर को अगर हम पंच की तरह कंसीडर करें, ठीक है, और इसको हम सीट की तरह कंसीडर करें, तो लाइक अगर हम इसमें से जब हम इसमें मारते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये पीस ऑफ सीट क्या है मिल जाता है, जो कि बाहर निकल के गिर जाता है, इसमें क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, ठीक है। तो इस होल का डायमीटर कितना होगा, जितना इस पंच का डायमीटर होगा, थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है, वो मेटल की बात है, वो हम आगे जल्द डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है और पंच जब हम इसमें मारते हैं तो ये निकल के बाहर आ जाता है। अगर अब हम बात करें ब्लैंकिंग की, ठीक है, ब्लैंकिंग की अगर हम बात करें तो जो ये जो मिला हमको, ठीक है, ये जो प्राइमरी मेटल क्या है, ये प्राइमरी मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, तो जो प्राइमरी मेटल बाकी से ये हमारे लिए क्या हो गया, स्क्रैप, मतलब ये कूड़ा है हमारे लिए, हमको डिजायर्ड क्या था, ये, ठीक है, हमको इस पूरी जो सीट थी, इस सीट से हमको क्या चाहिए था, इस डायमीटर का या इस थिकनेस, इस डायमीटर का जो हमको क्या चाहिए था, एक यूजफुल जो है हमारा वर्क पीस, जो भी हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नया वर्क पीस हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लैंक किया हुआ जो हमको पार्ट मिला, ये हमको इसको हम ये हमारा क्या हो जाएगा, नया वर्क पीस हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा हमारे पीछे, ये सिर्फ स्क्रैप रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्लैंकिंग की, तो हमारा ये जो प्राइमरी मेटल वर्क पीस था, नाव हमारे लिए ये क्या है, वर्क पीस की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा स्क्रैप बन जाएगा, ठीक है, स्क्रैप बन जाएगा, मतलब अब इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। यूज क्या आने वाला है, हमारे लिए ये यूज आने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लैंकिंग, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंकिंग। अब बात आ जाती है पियर्सिंग की, ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको दोबारा से क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर से थोड़ा सा, इससे आपको क्या हो जाए, विजिबल हो जाए अच्छे से, आप इसको और अच्छे से जान सके, ठीक है, पियर्सिंग, ठीक है। आप पियर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो पियर्सिंग क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जब हमने इस सीट ऑफ मेटल से, इस सीट ऑफ मेटल से जब हमने पंच इसमें डाला, पंच जब हमने एक साथ इम्पैक्ट किया, तो क्या मिला हमको, इसमें एक होल हो गया और हमको ये एक पीस मिला सीट का। तो नाउ अब क्या होगा, ये जो हमको मिला है, ये जो टूट के नीचे गिरा है, ये क्या है, ये स्क्रैप है, ये हमारे लिए क्या है, कूड़ा है, ये हमारे लिए क्या है, गार्बेज है। और ये जो पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें कि ये होल हुआ था पंज से, ये हमारा क्या है, नाउ यूजफुल जो है हमारा सीट वो ये होगी, ये हमारे लिए क्या है, स्क्रैप है, ठीक है, ये हमारी यूजफुल सीट हो जाएगी। तो पियर्सिंग में हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर कटिंग ओपनिंग सच ए होल्स एंड स्लॉट्स इन सीट मेटल। जैसे कि हमारे पास कोई भी सीट मेटल है, ठीक है, अब हमारे पास ये सीट है मेटल की, ठीक है, इसमें हमको क्या करने हैं, होल करने हैं, या इसमें हमको कोई भी ड्रिल करना है, सॉरी ड्रिल, इसमें हमें कोई भी ओपनिंग निकालनी है, ठीक है, कोई भी ओपनिंग चाहिए, सच एज होल्स हो गया या स्लॉट हो गया, अगर हमको चाहिए, तो वो हम किससे करते हैं, वो हम पियर्सिंग के थ्रू करते हैं। हम इसमें पंच डालेंगे, जो हमारा ये निकलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्क्रैप हो जाएगा, और जो हमारी ये सीट मेटल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, यूजफुल मटेरियल होगा, जबकि ये हमारा गार्बेज या स्क्रैप हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था ब्लैंकिंग और पियर्सिंग। अब देखिए बात आती है यहाँ डायग्राम पे भी, मैं इसके लिए इसको इस पर पहले नहीं दिखाता, तो अब हमारे लिए क्या होगा, इसके लिए इसमें पियर्सिंग के लिए क्या हो जाएगा, पियर्सिंग के लिए ये क्या हो जाएगा, ये पियर्सिंग के लिए दैट द पीस इज प्रोड्यूस्ड बाई पियर्सिंग इज स्क्रैप, ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, जबकि ये हमारे लिए क्या होगा, वर्क पीस होगा, यूजफुल होगा, ठीक है, ये स्क्रैप हो जाएगा। तो दोनों के लिए जस्ट अपोजिट है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है शियरिंग के बारे में, हमने इसमें जाना, इसमें होता क्या है गाइस, जो इट टू शियर स्ट्रेस यूजली बिटवीन पंच एंड डाई, जो पंच है और जो डाई है, ठीक है, पंच और डाई के बीच में क्या होती है, शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं। जब वो शियर स्ट्रेसेस अल्टीमेट के पार पहुंचती है, तब क्या होता है, वहां पर शियरिंग
वो जाती है, ठीक है। हमने पहले भी, हम यील्ड क्राइटेरिया में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने, कि जब सी अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ से ऊपर जब निकल जाती है हमारी जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है, तब क्या होता है यहाँ पर सीयरिंग हो जाती है, ठीक है। सीयरिंग हो जाती है हमारे लिए, ये मिल जाता है। ओके, तो ये था हमारा सीयरिंग। नेक्स्ट हम जो है डीप ड्रॉइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सीयरिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम डीप ड्रॉइंग के बारे में पढ़ते हैं कि डीप ड्रॉइंग आखिर क्या होता है, ठीक है। तो डीप ड्रॉइंग सबसे पहले हमने जो हेडिंग डाल रखा है, डीप ड्रॉइंग के बारे में जो डेफिनेशन लिखा है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है, डीप ड्रॉइंग ऑफ शीट मेटल इज यूज टू फॉर्म कंटेनर्स और ऑब्जेक्ट्स विद डेप्थ। डीप ड्रॉइंग से हम कौन से ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनकी क्या डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उन कंटेनर्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं जिनकी डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट इज़ अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन विच ए फ्लैट शीट और प्लेट इज फॉर्म्ड इन टू अ रिसेस्ड थ्री डायमेंशनल पार्ट विद द डेप्थ सेवरल टाइम्स ऑफ थिकनेस। इसमें जो है, हम जो फ्लैट सीट हमको होती है, हम उसका क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, और जो हमारी फ्लैट सीट है उसकी जो थिकनेस है उसके सेवरल टाइम्स जो डेप्थ होती है उसकी, उस डेप्थ की हम क्या बनाते हैं, थ्री डी डायमेंशनल पार्ट हम उससे बनाते हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव अगर हम समझें इस डीप ड्राइंग से, तो डीप ड्राइंग से हम समझ सकते हैं, लाइक कोई कप है हमारे पास, कोई ग्लास है, तो उसकी क्या है, उसकी थिकनेस और उसकी डेप्थ क्या है, सेवरल टाइम्स है उसकी थिकनेस की, ठीक है। तो इस तरीके का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें, ठीक है। हम कुछ भी बेंड, हम कुछ भी ऐसा वहाँ पे ऐसा ब्रेक नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, एक थ्री डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट हम वहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो जैसा कि डीप ड्राइंग में भी हम तीन अलग अलग ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, आयरनिंग, सेकंड वन इज रीड्रॉइंग, एंड थर्ड वन इज रिवर्स ड्राइंग। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना रखा है, लाइक जैसे कि ये डाई है, विंडरिंग। विंडरिंग कैसे कहते हैं, जब जो भी ये हमारा सीट है उस सीट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, उस सीट को ब्लैंक होल्ड करने के लिए जो हमारे पास रिंग लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंडर रिंग, ठीक है। ये और ये सेम विंडर रिंग ही इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम विंडर रिंग बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये पंच है, इसके ऊपर से ये जो पी फोर्सेस लग रहा है ये हमारी डाइज हैं, ठीक है। ये हमारा जाके नीचे इसी तरीके से जो है नीचे आता जाएगा, और हमको यहाँ पर किस तरीके की प्रोफाइल मिल जाएगी, इसको हम कट कर देंगे तो हमको कुछ इस तरीके की जो है, इस तरीके की हमको कुछ प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए डीप ड्राइंग का हम जो है इस तरह की प्रोफाइल बनाने में यूज करते हैं, जिसमें इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस से जो इसकी डेप्थ है वो क्या होती है, सेवरल टाइम्स होती है, ठीक है। अब बात आती है कि आयरनिंग क्या होता है, रीड्रॉइंग क्या होता है, रिवर्स ड्रॉइंग क्या होता है। तो फर्स्ट वन अगर हम आयरनिंग की बात करें, तो आयरनिंग क्या होता है, इट इज़ द ऑपरेशन इन विच द थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज रिड्यूस्ड। जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, ये जो थिकनेस होती है वो क्या करती जाती है, रिड्यूस करता जाता है। अगर रिड्यूस करता जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयरनिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता था, डाई एंड पंच इज सिमिलर, द डाई एंड पंच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ड्राइंग। जो डाई होता है और पंच होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है ड्राइंग के। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ हम क्लियरेंस छोड़ते हैं, लाइक ये जैसे हमने क्लियरेंस इसमें दिया है, लाइक हम क्लियरेंस छोड़ते हैं। आयरनिंग में क्या होता है, जो इस क्लियरेंस है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयरनिंग। अगर हम रीड्राइंग की बात करें, तो रीड्राइंग की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, तो क्या लिखा है, व्हेन द रेशियो ऑफ ब्लैंक डाया एंड फाइनल कप डाया। ब्लैंक डाया मतलब कि जो हमारी ब्लैंक जो फ्लैट सीट है उसका डायमीटर, और जो फाइनल कप डायमीटर, जो फाइनल हमको सीट मिलती है उसका डायमीटर, इज टू लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, द ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मोर देन वन स्टेज, द सक्सेसिव ड्राइंग ऑपरेशन आफ्टर द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रीड्राइंग। अगर जैसे कि जो हमारा ब्लैंक डायमीटर है, जो फाइनल कप डायमीटर है, अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा जो ड्राइंग है, डीप ड्राइंग है, वो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा स्टेजेस में करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा स्टेजेस में करेंगे, तो फर्स्ट वन जो स्टेजेस होगी उसके बाद अगली वाली जो स्टेजेस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, री ड्राइंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, द सक्सेसिव ड्राइंग ऑपरेशन आफ्टर द फर्स्ट वन इज कॉल्ड री ड्राइंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे, री ड्राइंग हम उसको बोल देंगे, ठीक है। रिवर्स ड्राइंग की अगर बात आती है कि रिवर्स ड्राइंग क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस ए ड्रॉन कप इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स ओरिजिनल ड्रॉन डायरेक्शन। जैसे कि अगर ड्रॉन हम क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा फटीग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, इन दिस प्रोसेस ड्रॉन कप
कप इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स ओरिजिनल ड्रॉन डायरेक्शन। जैसे कि अभी हमने इसको क्या किया, अभी हमने इसको बेंड किस में किया, नीचे की डायरेक्शन के किया है, ठीक है। अब हम इसको ही ऊपर की तरफ क्या करें, बेंड करें, ऊपर से हम पंच जो है फोर्स लगाएं, लोड लगाएं, तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रॉन होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स जो ड्राइंग क्या करती है, हमारा यहाँ पर होता है, तो जो हमारा डक्टाइल्स मटेरियल होता है वो थोड़ा और सा सॉफ्टाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेन सॉफ्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थी डीप ड्राइंग के बारे में जिसको हमने जाना, और इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, लाइक अगर मैं पहले डिफेक्ट्स की बात करूँ तो उसे हम, ठीक है। तो अब हम कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं डीप ड्राइंग के, कि लाइक ईयरिंग एंड बकलिंग, ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं डीप ड्राइंग में। जब हम पंच करते हैं, पंच करने पर क्या होता है कि हमारा जो रेडियल डिफॉर्मेशन होता है, रेडियल डिफॉर्मेशन होता है, जो हमारा सीट होती है और वो नीचे की तरफ आता है, तो जो डेप्थ होती है उसकी, वो हमको इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। डेप्थ वाला जो ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना होता है डीप ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक ईयरिंग की बात करूँ तो ईयरिंग क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ईयर्स और स्कॉल्ब एजेस अराउंड द टॉप ऑफ ए ड्रॉन सेल विच रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्शनल डिफरेंसेस इन द प्लास्टिक वर्किंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ईयर्स एजेस जो होती हैं अराउंड द टॉप ऑफ ए ड्रॉन सेल, वो क्या होती हैं, वहाँ पर आ जाती हैं, जिससे डायरेक्शनल डिफरेंसेस आते हैं प्लास्टिक वर्किंग प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं उनमें, ठीक है। तो उसका मैंने एक डायग्राम आपको यहाँ पर बना दिया है, कि जैसे कि ये एक नॉर्मल कप है हमने जो बनाया, एक स्टील के, एक जो स्टील थी हमारे पास फ्लैट, उससे हमने ये नॉर्मल कप बनाया। इसकी जो जो टॉप जो टॉप उसका जो है एजेस है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल इस तरीके की होती हैं। जब हमारा जो डिफेक्ट आता है उसमें जो टॉप जो लेयर होती है वो कुछ इस तरीके की आ जाती है, वो ठीक है ऊपर नीचे, जिससे क्या होता है डायरेक्शनल डिफरेंसेस आ जाते हैं प्लास्टिक वर्किंग प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो कुछ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलती हैं ईयरिंग। सेकेंड वन आता है बकलिंग, एन अनकंट्रोल्ड डिफॉर्मेशन पैटर्न परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सीट कॉज्ड बाय प्रोकम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नोन एज बकलिंग। जब बकलिंग आ जाती है, हमारा जो अनकंट्रोल्ड डिफॉर्मेशन हो जाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर कोई अनकंट्रोल्ड वहाँ पर डिफॉर्मेशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। बकलिंग आप समझते होंगे, लाइक अगर मैं बकलिंग करूँ इसको और ये एक तरफ से मुड़ जाए, ठीक है, ऐसा टेढ़ा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बकलिंग बोलेंगे। लाइक अगर हम इसकी भी बात करें तो अगर इस तरीके से ये आए, ठीक है, इस तरीके से आए तो क्या हो गया, इसका बकलिंग हो गई, या इस तरीके से आए तो क्या हो गया, इसका बकलिंग हो गई, ठीक है। तो कुछ इसमें इस बकलिंग के और ईयरिंग दो डिफेक्ट्स इसमें हमने पढ़े हैं, अगर आपको इम्पोर्टेंट है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स भी पूछ लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेंडिंग, जो कि तो हमने जो है इस सीट मेटल फॉर्मिंग में हमने डीप ड्राइंग के बारे में अभी लास्ट पढ़ा है, अब हम बेंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेंडिंग क्या होता है, बेसिकली बेंडिंग अगर आप देखें तो बेंडिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से नाम से ही समझ में आ रहा हो कि बेंडिंग मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को क्या कर दें, बेंड कर दें, ये हमने पेन लिया, हमने तोड़ के इसको ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो बेंडिंग। तो बेसिकली बेंडिंग जो टर्म है या बेंडिंग जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में, वो यू शेप, बी शेप या कोई भी चैनल हमें बनाना है किसी टाइप का, जैसे वाटर फ्लो करता है तो हमें एक चैनल बनाना होता है, कुछ इस तरीके का वो चैनल होता है, ठीक है, वो यू शेप का भी हो सकता है, वो वी शेप का भी हो सकता है। अगर उस तरह का हमको कोई भी डिजायर्ड शेप हमको किसी भी चाहिए होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग सबसे बेस्ट होता है। तो बेंडिंग में बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में हम देखते हैं, तो बेंडिंग इज वन ऑफ द कॉमन फॉर्मिंग ऑपरेशन, इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेनिंग ऑफ ए मेटल सीट और प्लेट बाई मूविंग इट अराउंड ए स्ट्रेट एक्सेस लाइंग इन द न्यूट्रल प्लेन। तो जो स्ट्रेट एक्सेस की जो हमारा प्लेट होती है उसको क्या करते हैं, हम बेंड करते हैं जिस भी डिजायर्ड शेप में हमको चाहिए होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन बेंडिंग द आउटर फाइबर्स ऑफ द मटेरियल आर इन टेंशन एंड इनर फाइबर्स आर कंप्रेशन, ठीक है। जैसे ही भी अब अगर आप किसी भी चीज़ की बेंडिंग करेंगे, लाइक अगर मैं बात करूँ इस ये जो हमारे पास, हमने मान लिया कि ये एक ऐसी सीट थी, ठीक है, ये एक ऐसी सीट हुआ करती थी किसी ज़माने में, ये किसी ज़माने में एक ऐसी सीट हुआ करती थी। मैंने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, इसको मैंने क्या किया, बेंड कर दिया फोर्स लगा के, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके की ये सीट दिखने लगी,
ठीक है, ये सीट किस तरीके की दिखने लगी, ये सीट कुछ इस तरीके की दिखने लगी। अब जब मैंने इसको वेंड किया, ठीक है, जब मैंने इसको वेंड किया तो क्या हुआ, इसकी जो आउटर जो लेयर है, जो आउटर फाइबर है, ये क्या हो रही है, जो आउटर फाइबर है वो कौन सा फोर्स जो है एज्यूम कर रही है, बाहर क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है उस वो जो वहां पर की जो लेंथ है उतनी, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। और जो इनर फाइबर है, जो इनर फाइबर है उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इनर फाइबर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जगह क्या है, धीरे धीरे और सिकुड़ती जा रही है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जो है फोर्स या कौन सी स्ट्रेसेस जो है यहाँ पर वो उसको एज्यूम हो रही है, उसको फील हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन फील करता है आउटर फाइबर्स में, और यहाँ पर क्या होता है, इनर जो आउटर फाइबर होता है वहाँ पर टेंशन होती है, और जो इनर फाइबर है वहाँ पर क्या होता है, टेंशन होती है, वो कंप्रेशन होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, टेंशन, यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक है, द प्लेन वेयर नो स्ट्रेस इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन। अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ बीच वाले की, ये अगर, तो यहाँ पर इस ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये जो इसकी न्यूट्रल प्लेन होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन। जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर अब यह कंप्रेशन और जो टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली बेंडिंग क्या होता है, हम जो है अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ से नीचे करते हैं, और जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है उससे हम ऊपर करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने पर ही क्या होगा, ये अगर मैंने इसको इस तरीके से बेंड कर दिया तो अब इसी तरीके से बेंड रहेगा। अगर मान लो यील्ड स्ट्रेंथ से नीचे ये जो प्रोसेस है वो की जाती है, तो क्या होगा, हम इसको अगर इसको बेंड कर दिए तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है प्रॉपर्टी उसकी, कि दोबारा से वो अपनी शेप में वापस आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये दोबारा से अपनी शेप में वापस नहीं आएगी, जिस तरीके से हम इसको बेंड कर देंगे, ये कुछ उसी तरीके से वहाँ पर बेंड हो जाएगी कम्प्लीटली, और दोबारा से अपनी शेप में नहीं आएगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्सेस ना लगाएं। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये आप यहाँ पर, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो मेटल फॉर्मिंग में हर जगह ही होता है बेसिकली। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इसी का है, बेंडिंग का ही, जो हमने यहाँ पर बताया था कि बेंडिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस वाले प्लेन, इस वाले सीट मेटल की अगर हम बनाए बेंडिंग करें तो कुछ इस तरीके से उसकी बेंडिंग हो गई। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला ही टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि है ईयर बेंडिंग। ईयर बेंडिंग क्या होती है, तो इससे सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ईयर बेंडिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ईयर बेंडिंग इज अ बेंडिंग प्रोसेस इन विच द पंच टचेस द वर्क पीस। वर्क पीस क्या हो जाएगा हमारा, ये सीट मेटल। ठीक है, जो सीट मेटल है वो हमारी क्या हो जाएगा, वर्क पीस हो जाएगा। तो पंच टचेस द वर्क पीस एंड द वर्क पीस डज नॉट बॉटम इन द लोअर कैविटी। जो वर्क पीस है हमारा वो लोअर कैविटी तक नहीं पहुंचेगा। द एट द पंच इज रिलीज्ड द वर्क पीस स्प्रिंग बैक अ लिटिल। वर्क पीस क्या करेगा, हल्का सा स्प्रिंग बैक करेगा। ठीक है, जो भी वर्क पीस हमारा होगा वो थोड़ा सा वापस अपनी इसी शेप में आएगा। तो ईयर बेंडिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे ये देख दिखा रखा है, ये क्या है, हमारी डाइज है। ठीक है, ये भी डाई है, ये भी क्या है, डाई है। ये क्या है हमारा, ये पंच है। ठीक है, यहाँ से क्या लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारी एक सीधी स्ट्रेट जो है हमारी एक सीट मेटल थी, इसको हम किस तरीके से बेंड करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर एक स्प्रिंग, स्प्रिंग आप समझते होंगे, स्प्रिंग को जब हम टेंसाइल करके छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी कंडीशन में वापस आने की जो है टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग अ लिटिल इसीलिए लिखा गया है कि जब हम इसको पंच इसमें मारते हैं, ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो सीट होती है वो बेंड होती है। बेंड होने के बाद क्या होता है, जब वो पंच हटता है तो वो हल्की सी थोड़ी सी अपनी सी ऊपर के लिए वापस आती है, उसके बाद वहाँ पर रुक जाती है। तो हमको जिस तरीके की डिजायर्ड यू शेप या वी शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईयर बेंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सभी ईयर बेंडिंग के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर बॉटमिंग के बारे में पढ़ते हैं। ईयर बेंडिंग के जो हम ईयर बेंडिंग में छोड़ रहे थे उसमें बॉटमिंग में हम उस चीज़ को हम देखते हैं, जैसे बॉटमिंग इज अ बेंडिंग प्रोसेस वेयर द पंच एंड द वर्क पीस बॉटम ऑन द डाई। वहाँ पर क्या था, जो पंच था, जो वर्क पीस था, वो बॉटम नहीं कर रहा था डाई पे, ठीक है, वो बीच में ही बस पंच कर रहा था और वो ऊपर चला जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, वो दोबारा से कुछ कुछ अपनी शेप में वापस लौट के आ रहा था। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है, ठीक है, ये एक डाई है, ये क्या है, ये एक डाई है। ठीक है, ये डाई इन्होंने कुछ इसी शेप की बना रखी है, जैसे ये डाई अगर मैं इस बात करूँ ये डाई किस तरीके की होगी, तो ये डाई इन्होंने कुछ इस तरीके की बना रखी है।
ठीक है, एक चैनल होता है उस तरीके की डायरा ना रखी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेप, ये एक सीट मेटल है, ठीक है, ये क्या है, एक सीट मेटल है। तो यहाँ पर एक सीट मेटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। बेसिकली यहाँ पर सीट मेटल को रख के हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है पंच करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये जो हमारा जो पंच है वो हमने पंच यहाँ पर किया है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये पंच है, ठीक है। इसको हम क्या किया, पंच किया है, लोड लगाया है। तो क्या हुआ कि ये जो डाई थी, जो डाई के अंदर क्या चले जाएगा, हमारा जो सीट मेटल है वो डाई के अंदर चला जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, बॉटम तक, ठीक है। बॉटम तक जाके क्या होगा, बॉटम जैसा बॉटम उसकी जो बना हुआ है डाई का, सेम उसी शेप का हमको क्या मिल जाएगा, हमारा सीट मेटल बिल्कुल उसी शेप में पहुंच जाएगा। तो और इसी तरीके से हम इसको उठा लेंगे, और जिस भी यूज में हमको लगाना है उसी यूज से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बॉटमिंग है वो बी शेप की डाई बनाने के यूज़ में आता है। तो इसी तरह से इसमें कुछ और भी इसके टाइप्स होते हैं जो बेंडिंग के, बट बेसिकली ज़्यादा जो हम मेन डिटेल में पढ़ते हैं बॉटमिंग और एयर बेंडिंग में ही। बाकी क्या आप अपनी बुक से या जिस भी चीज़ से आप पढ़ते हो वहाँ से देख सकते हो, बाकी मेन डिटेल में तो यही हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मैंने यही कराए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि बेंड अलाउंस क्या होता है, ठीक है। बेंड अलाउंस इज डिफाइंड एज अ मटेरियल रिक्वायर्ड टू ऐड द ओवरऑल लेंथ ऑफ द सीट मेटल इन ऑर्डर फॉर इट टू गेट द राइट साइज। अब बात आती है बेंड अलाउंस की, ठीक है। तो जैसा कि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ मेटल जो था, ये जो बीच वाला मेटल था, ये यहाँ पर क्या हुआ, बेंड हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो है कंप्रेशन स्ट्रेसेस आई, यहाँ पर क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेसेस आई। तो यहाँ पर इसकी क्या हुई, हल्की सी लेंथ क्या हुई, यहाँ पर कंप्रेशन आया, यहाँ पर क्या आया, टेंशन आया। तो यहाँ पर कुछ इसकी लेंथ से इंक्रीज हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इसकी डिक्रीज हुई, सिकुड़ा हुआ कुछ मटेरियल। तो बेंड अलाउंस हम किसी भी, जब हम सीट मेटल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो उसमें कुछ बेंड अलाउंस देते हैं हम, उसकी कुछ जो लेंथ होती है उसमें वो ऐड करके देते हैं, जिससे कि क्या हो, हमें मटेरियल कम ना पड़े हमारा। लाइक हमने, हमें 10 सेंटीमीटर का ये चाहिए था, ठीक है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ही 5 मीटर लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 5 मीटर लेंथ है। इस तरीके का हमको अगर बी शेप का हमको एक चैनल चाहिए है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 10 मीटर की एक सीट मेटल ले लिया। लाइक हमने ये 10 मीटर का सीट मेटल ले लिया, ठीक है, ये 10 मीटर का सीट मेटल ले लिया। तो क्या ये 5 मीटर ही होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर होगी, नहीं, इसकी लेंथ होगी लगभग 4.97, ठीक है, 4.97, क्योंकि बाकी मटेरियल वहाँ पर सिकुड़ने और जो भी फाइबर है वो जो कंप्रेशन टेंशन अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रही है उसमें कुछ मटेरियल हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, 4.97, लेकिन हमको चाहिए कितनी, हमको तो 5 मीटर चाहिए ना। तो उतना ही क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो मटेरियल हम 10 मीटर की जगह क्या करेंगे, 10.6 मीटर देंगे, ठीक है। 10.6 मीटर का अगर हमको यहाँ पर अगर हम जो है अपनी सीट मेटल देंगे, तो ये जो हमको मिलेगी ये हमको पूरा क्या मिलेगा, 5 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा उससे क्या होगा, जो मटेरियल हमको जितना चाहिए था बेंड करने के लिए, हमको जितने मटेरियल जितने डायमेंशंस का हमको जो बी शेप का चैनल चाहिए था वो हमको उतनी ही शेप का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बेंड अलाउंस दिया जाता है बेंडिंग में। तो इसकी डेफिनेशन है, बेंड अलाउंस इज डिफाइंड एज अ मटेरियल रिक्वायर्ड टू ऐड द ओवरऑल लेंथ इन द सीट मेटल इन ऑर्डर फॉर इट टू गेट द राइट साइज, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, बी ए इजिकल्स टू थीटा आर प्लस के टी। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा यहाँ पर बेंड एंगल है, ठीक है। थीटा हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, बेंड एंगल। और आर क्या होता है हमारा, आर हमारा इनसाइड बेंड रेडियस, जो भी इनसाइड इसकी जो रेडियस होती है बेंडिंग की, वो इनसाइड बेंड रेडियस यहाँ पर हम आर होती है। और के क्या होता है, एक फैक्टर होता है, ठीक है, के एक फैक्टर होता है, जो कि अगर हम इसको देखें तो डिटेल में, तो ये होता है T1/T, ठीक है। T1 क्या होता है, T1 क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल प्लेन, जो उसके बाहर से आउटर से लेके जो न्यूट्रल प्लेन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, T1। और T क्या होता है, हमारा सीट मेटल की थिकनेस। अगर इसके हम रेशियो की बात करें तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। ये K हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, T तो हमारी थिकनेस है ही। इन तीनों की कैलकुलेशन से क्या निकाल सकते हैं हम, बेंड अलाउंस। अगर बेंड अलाउंसेस हमारे निकलने के बाद सीट मेटल में हम वो बेंड अलाउंस ऐड करते हैं, देन हम उसकी बेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर रिक्वायर्ड होता है आप लोग अगर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अगर डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बोल सकते हैं, हम आपको एक वीडियो इसकी न्यूमेरिकल्स की, स्पेशली जो मेटल फॉर्मिंग के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो अगर डिटेल में जो थ्योरी की बात करूँ, तो मेटल फॉर्मिंग में बस इतना ही था। यहाँ पर हमारी जो है यूनिट 1 ख़त्म होती है, ठीक है, यूनिट 1 हमने ख़त्म कर ली है।
और अब हम नेक्स्ट यूनिट 2 के में पढ़ेंगे जो कि है मेटल कटिंग। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरी यूनिट में या इस वीडियो में अगर आपको खास करके अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यूनिवर्सिटी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ जो भी इसके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस में अच्छा करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।